बहन नहीं है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा बोल रहा है। स्कूल के टीचर भी कंप्लेंट कर रहे हैं, क्लास में भी इसका ध्यान कहीं और रहता है, ये सब तो मैं दिखाई नहीं दे रहा। तू क्यों इसके पीछे पड़ गया है बेटा, इसे भूख लगेगी तो खा लेगा, तू क्यों इसकी इतनी फिक्र कर रहा है? ए मेरे बच्चे, डैडी की खुशी के लिए कितनी खा लेना। डैडी मुझे नहीं चाहिए खाना, मुझे नहीं चाहिए। कुछ कह रहा हूँ सुन ले। नहीं चाहिए डैडी। माँ जी, सुबह से प्रिया दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है उसको बुलाओ ना। वो इधर ही कहीं आसपास होगी, बुलाओ ना माँ। हाँ बुलाती हूँ। क्यों बेटा, इतने सुबह सुबह बिना बोले कहाँ चली गई थी? झरने के पास गई थी या अपनी सहेलियों से मिलने गई थी? झरने में खेलते समय तुम्हें कुछ हो गया तो? अगर तुम दोनों को कुछ भी हो जाए तो वो सहन नहीं कर पाता, ये बात तो अच्छी तरह जानती है ना? तुम दोनों के लिए वो जमीन आसमान एक कर देता है। तुम जानती हो ना तुम दोनों से कितना प्यार करता है वो। अगर तुम लोगों को छींक भी आ जाए तो मेरी जान खा जाता है। जा अंदर गुस्से में बेटा। देख बेटा, तेरी माँ के जाने के बाद बेटा तुझे हाथों से पाला ही नहीं, अपने हाथों से खिलाया भी है, सीने से लगा कर भी रखा है, तुझे इस बात का ख्याल है कि? ठीक है ठीक है, मैं किसी के साथ भागकर तो नहीं गई ना दादी, मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी, ये बात तुम्हें भी तो मालूम है ना। ठीक है ठीक है, मेरा मुंह तो बंद कर दिया, अंदर वो गुस्से में बैठा है, उसे भी शांत करा क्या? अच्छा, डैडी का गुस्सा कैसे शांत करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे बाप रे, घर का प्रसाद लेके उसे उल्लू बनाने चली गई है डैडी। कहाँ गई थी? डैडी कल हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे ना, इसलिए मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए गई थी, सॉरी डैडी। ठीक है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कम से कम अपनी दादी माँ को तो बता के जाओ, मुझे नहीं तो दादी को पता होगा तो टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है ना? बैठो आओ खाना। हाँ। ए, सुबह 5 बजे सब साथ में नहाते तो कितना मजा आता ना। इतनी सुबह हम नहीं जागते। अच्छे, ऐसी बात नहीं है यार, अगर 5 बजे तुम लोग साथ आते तो मेरा दिल चुराने वाली उस हसीना का तुम लोग भी दर्शन कर लेते। मिस कर गए यार तुम लोग। तू भी मिस कर गया, सुबह सुबह 10 खूबसूरत हसीनाएं मेरे सपने में आई थी, सब के सब व्हाइट ड्रेस में थी, काश तूने भी देखा होता। इसने भी देखा, वाह क्या बात है। अरे यार सचमुच वो मेरा दिल चुरा के ले गई। ये लड़कियों से दूर भागने वाला लड़कियों के गुण गा रहा है, कहीं सपना तो नहीं है? सपना नहीं यार, हकीकत था। लेकिन हमें ये जगह छोड़ने से पहले उसका पता लगाना ही होगा यार। मैंने पता लगा लिया यार, MS एबिलिटी भी। मैंने पूछा क्या, रख दे। ए, जरा उधर देख, सुपर फिगर बुक में। अरे वो तो तस्वीर है यार, मैं जो बोल रहा हूँ ये समझ नहीं रहा बीड़ू, मैं सच कह रहा हूँ यार। रंग में बिखरी हुई वो बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई हर रंग में बिखरी, वो बटरफ्लाई वो बटरफ्लाई। हर रंग में बिखरी हुई वो बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई। ये वाला, हाँ। ये कितने का है? 200 रुपए। अच्छा अच्छा, ये वाला, ये 150। अरे बहन जी जरा वो वाला स्वेटर दिखाइए ना। I love you. I love you, yeah. Daddy. Daddy. Daddy, यहाँ पर आइए। क्या हुआ बेटी? डैडी मैं इसको जानती तक नहीं और ये मुझे गुलाब देकर आई लव यू कह रहा है। नहीं है सर, मैं बताता हूँ क्या बात है। क्या प्रॉब्लम है तेरा? मैं बताता हूँ। बेटी को छेड़ना? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है तेरा है बता मुझे। सर सर सर, इसे मत मारिए सर, इसे गलत मत समझिए। कौन हो तुम लोग? सर ये हमारे टीम का कैमरा मैन है सर, MTV के लिए हम एक स्पेशल प्रोग्राम बना रहे हैं, एक अनजान लड़की को एक अनजान लड़के के हाथ में रोज देकर आई लव यू कह के पब्लिक का रिएक्शन और फैमिली का रिएक्शन क्या होगा, हम लोग यही देखना चाह रहे थे और प्रोग्राम बना रहे थे। कितने लोगों को तुम ऐसा कर चुके हो, स्पेशल प्रोग्राम बना के नौटंकी कर रहे हो? तुम्हारे घर में इस नौटंकी के लिए माँ बहन नहीं है क्या? उन्हें लाकर यहाँ खड़ा करो। एक अनजान लड़का या आदमी उन्हें जब आई लव यू कहेगा तब तुम्हें कैसा लगेगा, बताओ? नहीं लाइक। सॉरी सर, सॉरी सर।
हमसे गलती हो गई सर। दोबारा तुम्हारा ये स्पेशल प्रोग्राम या और कोई नौटंकी देखी तो चमड़ी उतार दूंगा। जाओ यहाँ से। बेटा मुझे गलत मत समझना। कोई बात नहीं सर। इट्स ऑल राइट। बाजू हटो रे। आए बड़ा प्रोग्राम बनाने। वेरी सॉरी सर। पब्लिक का रिएक्शन और फैमिली का रिएक्शन इतना भयानक होगा पता नहीं था सर। कोई बात नहीं। सॉरी सर, आपको इस तरह मार खानी पड़ेगी हमने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर आप हम लोगों को सबसे अच्छे लगे इसलिए मैंने बोला। सॉरी सर। ओके। हैप्पी बर्थडे बेटा। आप इस उम्र में इतना अच्छा चलते हो तो मैं अपने बुढ़ापे में। कौन है रे? हैप्पी बर्थडे डैडी। हैप्पी बर्थडे। तू मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डैडी। आपके लिए बर्थडे गिफ्ट है डैडी। डैडी आप जानते हैं इस मुंबई की नंबर वन कंपनी जो है वो हमारी है डैडी। यू आर नंबर वन। वी आर नंबर वन। आई लव यू डैडी। आई लव यू दादाजी। बेटा तू 100 साल से भी ज्यादा जिए यही मेरी दुआ है। सब आपका आशीर्वाद है डैडी। देखा ना तेरे बाप ने क्या कहा। बाप के जन्मदिन में आके बहुत अच्छा किया। देखा मेरा पोता। अरे किधर है हमारे घर में आने वाली दुल्हन परी? कब दिखाएगा मेरे चले जाने के बाद? वो क्या बताऊं मैं दादाजी, मैं अपने रूम में आराम से सो रहा था, आपने डैडी के बर्थडे की खबर दी तो मैं काले के भाग गया।